नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, किसी ने कहा है कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में भीड़ तो होगी जो निकल सको तो चलो। जी हाँ, भीड़ से निकलकर आगे कुछ मुकाम बनाना है तो आपको ज्योतिष का सहारा कैसे दे सकते हैं, ये इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कि कैसे आप अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं आसानी से, ज्योतिष किस तरह से आपकी मददगार हो सकती है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर ममता जी, जिनसे हम समझ सकेंगे कि किस तरह से टैरो कार्ड रीडिंग हमारे लिए मददगार हो सकती है हमारी मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो स्वागत करते हैं ममता जी का स्टूडियो में। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते ममता जी, आज आपसे बहुत कुछ जानेंगे टैरो के बारे में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, टैरो कहाँ की विधा है और किस तरह से लोगों के जीवन पर असर डालती है? सो टैरो एक बहुत ही एंशंट विद्या है, और ये जो विद्या है ये वेस्टर्न ट्रेडिशन से आती है, वेस्टर्न एसोटेरिक ट्रेडिशन से आती है। और ये विद्या जो है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में वैदिक शास्त्र हैं, गीता है, उसी प्रकार वेस्टर्न एसोटेरिक ट्रेडिशन में हर्मेटिक प्रिंसिपल्स का उपयोग होता है जिससे ये सारी सृष्टि बनी है, उसी को टैरो में समाया गया है 78 कार्ड्स के रूप में। और इस विद्या को हम और गहराई से पढ़ सकते हैं सृष्टि के 5 एलिमेंट्स पढ़ करके और टैरो की बहुत गहराई से नॉलेज ग्रास्प करके। सो दिस इज फ्रॉम वेस्टर्न ट्रेडिशन। जी, आपने बताया कि बहुत ही प्राचीन एंशियंट ये विद्या है और उसके माध्यम से लोगों को सॉल्यूशन दिया जाता है। कितनी डेप्थ अनुभव की जा सकती है, क्योंकि जब तक गहराई लोगों को नहीं पता होती लोग सॉल्यूशन लेना नहीं चाहते, क्योंकि आज जो व्यक्ति है वो भी बड़ा तर्क संगत चाहता है कि अगर उसे सॉल्यूशन दिया जा रहा है तो किस आधार पर वो सॉल्यूशन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी डेप्थ है? जी एग्जैक्टली, इसी वजह से मैं एक्चुअली खुद टैरो से बहुत आकर्षित हुई थी, क्योंकि टैरो एक माध्यम बन सकता है जिससे आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जीवन इस प्रकार इतना सरफेस लेवल हो चुका है आज के ज़माने में कि हर कोई चाहता है कि उसको सही दिशा मिले, उसको सही गाइडेंस मिले, और ऐसी जगह में, ऐसे स्पेस में रह करके हम हमारा सल्यूशन सरफेस में नहीं ढूंढ सकते, हमें रूट में जाना होगा, गहराई में जाना होगा। और जैसे हम सब जानते हैं ये पूरा अस्तित्व ऊर्जा से बना है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, उसी प्रकार टैरो जो है उसकी गहराई एनर्जी से होती है, रूट से होती है। एक हमारी जो ह्यूमन साइकी है उस सबको टैरो के सिंबॉलिज्म में हम समा सकते हैं, देख सकते हैं। एक पूरा साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट टूल है टैरो, और इसको सही तरीके से अगर हम सीखें तो हम सामने वाले व्यक्ति को एक बहुत ही स्पिरिचुअल गाइडेंस और एक बहुत ऐसा गाइडेंस हम दे सकते हैं जो बेसिकली हमारे लॉजिकल माइंड से परे है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत बारीकियां हैं इसमें और उसको समझना बहुत ज़रूरी है गहराई से। जब गहराई से समझेंगे तभी लोगों को सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आज देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग सीख ली जाए, तो क्या ये सीख लेने मात्र से पर्याप्त तो हो जाती है बात, या फिर कनेक्टिव खुद कनेक्ट होना पड़ता है टैरो कार्ड से? जी एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसी में मैं ये कहूँगी आपसे कि जैसे मुझे मोर देन 6 इयर्स हो गए हैं टैरो पढ़ते हुए, सीखते हुए, ये एक अनंत सागर है। क्योंकि जैसे जब तक हम स्वयं को नहीं जान लेते तब तक हम किसी चीज़ को नहीं जान पाते, और टैरो जो है ये हमें स्वयं से जोड़ता है, ये हमें खुद के सोल से, खुद की बीइंग से कनेक्ट करता है। और जब हम स्वयं को जानते हैं तो हम इस अस्तित्व को भी जान पाते हैं। सो टैरो जो है एक रीडर की साधना पर निर्भर करता है। इतना ईजिली जो है ये एंशंट विद्या और नॉलेज हम नहीं सीख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सीख के इसको एक प्रेडिक्शन मात्र के रूप में ले लेते हैं या उतने पर ही ठहर जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो टैरो है उसकी खूबसूरती तभी निखरती है जब वो जो रीडर है उसकी साधना वैसी हो। सो टैरो अगर आपको सीखना है, गहराई में जाना है, तो रीडर की साधना, टैरो का कनेक्शन, उसका अपने परमात्मा से, ईश्वर से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अंत में ये यात्रा स्वयं की है, और स्वयं को निखारते हुए हम किस प्रकार एक जगत कल्याण की ओर बढ़ सकते हैं, टैरो को माध्यम बना के ये यात्रा उस बारे में है। जी,
तो टैरो की यात्रा कहाँ से कहाँ तक है, ये बहुत ही गहराई से चर्चा हो रही है यहाँ पर। साथ साथ इस गहराई के साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ बातों से बात नहीं बनती है। जब तक लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब तक बात समझ में नहीं आती है। तो हम ये कहना चाहेंगे शॉर्ट में कि टैरो आपके लिए हर क्षेत्र में मददगार हो सकता है। किस क्षेत्र में हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, ये ममता जी आपको बताएंगी। ममता जी, बात कर लेते हैं कि किस किस फील्ड में टैरो मददगार होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ आध्यात्मिक बातों से लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है। वो चाहते हैं कि जो हमारी सॉल्यूशन है, बेसिकली उसका जो है वो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो, और तब जाके उनके लिए बात बनती है। तो हमें अपने जो उस वर्ग का है उसका भी ध्यान रखना है, ताकि जो सॉल्यूशन है उनको प्राप्त होता रहे। तो किस किस फील्ड में टैरो मददगार हो सकता है? जी, सो टैरो की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये बहुत वर्सेटाइल है। ये किसी भी चीज़ में ढल सकता है। आप टैरो से कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछें, इतना कि आपकी शादी कब होगी, आपके पार्टनर कैसे होंगे, यहाँ से लेकर बहुत गहरी आध्यात्मिक बातें। सो टैरो हर चीज़ को कवर करता है, हर चीज़ का सल्यूशन है। जैसे मैं कह रही थी कि टैरो में 5 तत्व से रिलेटेड कार्ड्स होते हैं, जिनको हम माइनर आर्काना में डिवाइड करते हैं, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से ये प्रकृति बनी है, अस्तित्व बना है। सो डेफिनेटली हम टैरो को एक बहुत प्रैक्टिकल प्रस्पेक्टिव में ले जा सकते हैं, और इसी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध भी हो रहा है, क्योंकि आप टैरो से जो भी क्वेश्चन पूछें आपको वो उस तरीके का आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछना चाहते हैं कि मेरे लिए ये चॉइस सही है या वो चॉइस सही है, टैरो आपको बताएगा कि वो चॉइस चुनने से आपके जीवन में क्या लाभ होगा, ये चॉइस चुनने से आपके जीवन में क्या लाभ होगा, और दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, ये भी हम टैरो के माध्यम से जान सकते हैं। सो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप टैरो से नहीं पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप टैरो से नहीं जान सकते हैं। कितनी गहराई की हो, कितनी सरफेस लेवल की हो, टैरो की ये खूबसूरती है, क्योंकि ये ऊर्जा पर काम करता है, तो ये हर चीज़ का जवाब जो है हमें दे सकता है। जी ममता जी, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जवाब मिल सकता है, और जवाब जानने के लिए लोग बेचैन हैं। मेरे पास डिटेल आ चुका है, 20 अगस्त 1988 का जन्म है राकेश जी का, ये डिटेल हमारे पास है। लिख रहे हैं कि इनको जीवन में एक नौकरी का और बिजनेस का चुनाव करने के लिए ये दो राह पर खड़े हैं, कि इनको नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस। क्या कहेंगे टैरो कार्ड के लिए? जी, सो हम कार्ड से पूछ लेंगे। जी, सो हम देखेंगे कि राकेश जी, आपके लिए कि आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। हम टैरो से जानेंगे कि आपका जॉब में क्या आउटकम रहेगा, और अगर आप बिजनेस चुनते हैं तो क्या आउटकम रहेगा। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है राकेश जी, आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आया है। ये बात करता है बहुत स्ट्रांगली कि आप इस समय पर अपने जॉब में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने ये सोचा है कि मुझे अल्टरनेट दिशा में जाना चाहिए या नहीं। इस समय पर मुझे ऐसा लगता है कि इन अकॉर्डिंग्स टू योर जॉब, इस समय आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हालात आपके थोड़े से मुश्किल होंगे, सिचुएशंस मुश्किल होंगी, और आप ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड लियो के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, और ओवरऑल हमें सक्सेस के बारे में बात करता है। वेराज, अगर मैं आपके लिए बिजनेस का देखूँ तो 5 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे लोगों से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थर्ड पार्टी एनर्जीज हो सकती हैं, पैसों की प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो इस टाइम पे जब तक आपको टोटल मेंटल क्लैरिटी ना मिले विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आपको अपनी जॉब में यहाँ पर कुछ समय बिताना चाहिए, और एक्सपीरियंस लेना चाहिए, सीखना चाहिए, और फिर आपको बिजनेस की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जी, आगे बढ़ेंगे ममता जी। दीपिका का ये डिटेल है हमारे पास, 9 मई 1991 का इनका जन्म है। जानना चाहती हैं कि अभी अभी इनका विवाह हुआ है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि ये चाहती थी कहीं और शादी करना, लेकिन अरेंज मैरिज उन्होंने की है अपने माता पिता की मर्जी से। तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ओके, सो दीपिका जी, आपके लिए हम देखेंगे, आपका ये जो प्रश्न है उसके लिए आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये निर्णय आपके लिए मुश्किल था, क्योंकि हर्मिट के साथ में देख रही हूँ, कहीं ना कहीं पे आपकी शादी होने के बाद भी आप भीतर से अकेला महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं। बट
नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ जैसे जैसे आप धैर्य के साथ चलेंगे, धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे पेशेंस के साथ, अब आपने ये जो डिसीजन बनाया है उस पर आप चलेंगे, टिकते रहेंगे, तो मुझे लगता है जो स्टेबिलिटी और खुशियाँ आप ढूंढ रहे हैं वो आपको इवेंचुअली ज़रूर मिलेंगी। लेकिन कुछ ऐसा समय होगा आपके जीवन में जहाँ पर आप अपने जीवन के प्रति एक इंट्रोस्पेक्शन लेना चाहेंगे, सवाल करेंगे कि आपका निर्णय सही था नहीं था और आपको क्या करना चाहिए। बट आई एम सीइंग विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत पॉजिटिव आउटकम है आपके मैरिज का और स्टेबिलिटी काफ़ी रहेगी, तो आपको किसी चीज़ में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा समय आपको देना है और चीज़ें बहुत जल्दी आपकी मैरिड लाइफ में अच्छी होंगी, ब्लिसफुल होंगी। ठीक, तो दर्शकों निरंतर आपकी समस्या का समाधान इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं ममता जी, और ये मेल हमारे पास है, तनुजा जी की मेल है, 12/9/1972 का इनका जन्म है। जानना चाहती हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब की चांसेस इनकी लाइफ में हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए कि क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो तनुजा जी, मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आने वाली है। टू ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि कहीं ना कहीं आप इस समय पर भी कुछ ऐसा चाह रही होगी, पर हो सकता है उसके पॉसिबिलिटीज़ आपको नहीं नज़र आ रहे। गवर्नमेंट जॉब में मुझे लगता है आप काफ़ी स्ट्रेस, बर्डन, एंग्जाइटी और टेंशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं उसका आउटकम आपके फेवर में नहीं देख रही हूँ। बट तनुजा जी, इसी के साथ आपके साथ जीवन में एक बहुत खूबसूरत भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो मेक योर आइज़ यू नो गो वाइड व्हेन इट कम्स टू सर्चिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एंड जॉब, बिकॉज सेम ही कोई ऐसी चीज़ है जो आपको और खुशी देगी आपके जीवन में, मैं आती भी देख रही हूँ। सो इस टाइम पर मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब की जगह आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए, जो ऑलरेडी आपके साथ है, जिसको आप बैलेंस लेके चल रहे हैं, उसमें अगर आप अपना सारा फोकस अटेंशन देंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलेगा और आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी जी। रेमेडी की कहीं कोई गुंजाइश है, कुछ रेमेडी इनके लिए बनती है? जी, एज अ रेमेडी यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्रिस्टल्स। आप डेफिनेटली, क्योंकि 10 of Swords मुझे बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और ऐसे स्ट्रेस के साथ आप जीवन में पॉजिटिव कुछ देख नहीं पा रहे हैं। जब तक आपकी ये क्लेंजिंग नहीं होती तब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इससे आपकी ओवरऑल ऑरा क्लेंजिंग होगी, ब्लैक टर्मलिन से निगेटिविटी क्लेंज होंगी, रोज क्वार्ट्ज से आप सेंटर फील करेंगे, ग्राउंडेड फील करेंगे। इस क्रिस्टल के साथ अगर आप 5 मिनट आँखें बंद करके मेडिटेट करें या शांत बैठे, तो ये क्रिस्टल में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने आप आपकी एनर्जी क्लेंस करेगा और आपको एकदम से आनंद और पीस का अनुभव होगा। जी ममता जी, आपने बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, आगे भी जानेंगे आपसे। मैं जानना चाहूँगी कि बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि कुछ अलग हटकर मिले। ऐसे में जब किसी टैरो कार्ड रीडर के पास कोई जाता है तो क्या आपके सामने भी चैलेंजेस आते हैं कि आप संतुष्ट करके अपने क्लाइंट को भेजें? यस, एग्जैक्टली, और इसी को मेरी काफ़ी खुद की सीखने की यात्रा रही है। इसमें सबसे पहले तो टैरो किसी का करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप किसी को ऐसा बता रहे हैं जो उसका जीवन बदल दे, या उसके उस आपके कहने पर, उस आपकी रीडिंग पर उस व्यक्ति का डिसीजन कोई बहुत बड़ा जीवन निर्भर हो। तो सबसे पहला चैलेंज जो मुझे कहीं ना कहीं मैंने फेस किया है कि खुद क्लियर रहना, खुद शांत रहना, खुद पीसफुल रहना। और एज अ टैरो रीडर हम काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, हम एनर्जीज कैच कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। सो एक साइकिक अपने आप को प्रोटेक्शन करना और अपने आप को खुद को सेफ रखना, खुद को हेल्दी रखना एक बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत बड़ा एक ऐसा मिशन है जिसकी मदद से आप सामने वाले पर्सन को भी गाइड कर सकते हैं। तो खुद हमें उस स्टेट में होना होता है, ये एक चैलेंज होता है। और उस क्लाइंट को हम अच्छे से सुने, उसको देखें, उसको बिल्कुल जज ना करें। टैरो रीडिंग में ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक दूर होकर किसी पर्सन को देख रहे हैं, आप उसको जज नहीं कर रहे, अपने थिंकिंग उसमें नहीं ला रहे हैं। टैरो जो कहना चाहता है वो अपने भीतर से बहने दे रहे हैं। सो ये एक चीज़ जो मैंने अपनी यात्रा में इसमें सीखी है, बहुत सारे क्लाइंट से कनेक्ट करके। ममता जी, जब आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती होगी जब हम सॉल्यूशन देते हैं या कोई भी टैरो कार्ड रीडर देता है, तो सॉल्यूशन देते वक्त एनर्जीज वापस आती होंगी।
कैसे उसे सेफ खुद को रखा जाए और क्या क्या कुछ करना पड़ता है आपको? यस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने खुद ऐसे हीलर्स को और टैरो रीडर्स को देखा है जो रीडिंग के क्लाइंट की एनर्जीज इतनी हद तक पिकअप करते हैं कि जो बीमारी क्लाइंट को हुई है वो उनको हो जाती है कुछ टाइम बाद. सो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत केयरफुली इस फील्ड में भी आना चाहिए, क्योंकि आपको उतना मेडिटेशन और आपको उतना क्लेंजिंग और उतना नॉलेज की आवश्यकता है. आपको पता नहीं होता आप किसी से क्या कनेक्ट करेंगे और क्या आप ले लेंगे. सो इसीलिए द बेस्ट वे इज़ आप प्रकृति के साथ समय बिताएं, क्योंकि नेचर इज़ अवर बिगेस्ट हीलर. जितना आप सरेंडर की ऊर्जा में रहेंगे इंटेंशन से, बहुत हमें फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक प्योर हमारा भाव हो कि हम अपने इंटेंशन प्योर रखें, कि हम सरेंडर करें और जो भी एनर्जी हमने ली है वो हम रिलीज़ कर दें, प्रकृति में लौटा दें. अगर हम थोड़ा सा एनर्जी का विज्ञान समझेंगे तो हम इस चीज़ को समझ पाएंगे. अदरवाइज टैरो रीडर्स खुद और खुद बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और समझ नहीं आता कि हम दूसरों की रीडिंग कर रहे हैं फिर भी हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो जड़ कहीं और से आ रही होती है. सो मेडिटेशन, हीलिंग, क्लेंजिंग, खुद हमें अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना है कि हम प्रॉपरली मेडिटेट कर रहे हैं, क्लेंस कर रहे हैं, और उसी प्रकार हम सामने वाले क्लाइंट को भी वो दे पाएंगे जो हम एक्चुअली चाहते हैं कि उसको मिले. जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हम देने की प्रकृति बनाएं, हम सिर्फ समेटने की और सहेजने की ना बनाएं, क्योंकि हमें प्रकृति सिखाती है कि जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है. तो देने की प्रकृति ज़रूर बनाइए, क्योंकि जीवन में अगर कुछ पाना है तो देना भी बेहद ज़रूरी होता है. और प्रकृति के करीब रहिए, ऐसा ममता जी का कहना है. तो आप प्रकृति के साथ बनाएं, साथ साथ टैरो कार्ड का भी साथ बनाएं, क्योंकि ये आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं. आगे बढ़ते हैं ममता जी, एक हमारे पास डिटेल और आ चुका है. ये है 21/9/1987 का. इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, जानना चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति कब तक होगी. ओके. क्या नाम के बगैर भी प्रिडिक्शन सही हो पाएगा? यस, यही टैरो की खूबसूरती है कि हमें सिर्फ उस इंटेंशन से, उस एनर्जी से कनेक्ट करना होता है. तो हम टैरो में जान सकते हैं बगैर नाम के भी कि क्या मैसेज है उनके लिए. और देखिए, आपने संतान की बात की और इतना खूबसूरत कार्ड आया है, 6 of Cups, जो एक्चुअली बात करता है प्रेगनेंसी और बहुत ही यू नो ब्यूटिफुल चाइल्ड के बारे में. तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि आपके जीवन में, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, और ये ऐसी आपकी कोई विश है जो बहुत समय से चाह रहे थे. तो कार्ड भी देखिए इतना खूबसूरत आया है. जैसे आपने बताया, हमने इनका नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी जो है टैरो की मदद से हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाए. और हम इस कार्ड में भी देख सकते हैं 6 of Cups, तो एक बच्चा यहाँ पर आ रहा है, एक सरप्राइज है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. जी, कुछ रेमेडी भी इनको करने की ज़रूरत है या नहीं? ये कार्ड इन इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग. 6 of Cups जब आता है तो इन इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग. थोड़ा डिवाइन टाइमिंग का मैसेज होता है ये, और ये शुक्र को रूल करता है. तो आप वीनस की रेमेडी, अपने आप को ब्यूटिफुल या कॉन्फिडेंट समझिए. जितना आप बिलीव करेंगे उतनी ये चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होगी आपके जीवन में. तो 6 months फ्रॉम नाउ मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छा आपका टाइम है. इनफैक्ट ये ब्लेसिंग एक अनएक्सपेक्टेड होगी और जल्दी ही आपके जीवन में आने वाली है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं. और लगातार आप सभी दर्शकों का मार्गदर्शन यहाँ पर ममता कर रही हैं, आपकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं. यहाँ पर यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या बनी हुई है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तो उसका समाधान टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं. डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं. आगे बढ़ते हैं ममता जी और बात कर लेते हैं शफलिंग. जैसा मैंने देखा कि आप करती जा रही हैं, जैसे ही कोई सवाल आता है तो शफलिंग होती है कार्ड्स की, क्या रीज़न होता है ये? जी, तो शफलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि टैरो में अपने आप में एनर्जीज़ है. तो जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं उस इंटेंशन के साथ कि अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो वो क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने गुरु से, एंजल से कनेक्ट करके कार्ड्स को शफल करते हैं और इंट्यूटिवली कार्ड्स को जो है हम पिक करते हैं. तो बेसिकली शफलिंग इसलिए है ताकि वो प्रीवियस एनर्जी को क्लियर कर सके और नई एनर्जी में हम टैप इन कर सके, नए सवाल में हम टैप इन कर सके. जी, आगे बढ़ते हैं. मनोज जी का ये सवाल है, 16/3/1983 का इनका जन्म है. लिख रहे हैं कि एक फिक्स जॉब कब तक मिल पाएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में कब तक आएगी? ओके मनोज जी, तो हम आपके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं.
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए आया है, बहुत पॉजिटिव। ये पूरा डेस्टिनी शिफ्ट और चेंजेस की बात करता है। इस समय पर आप अपने जीवन में बहुत चेंजेस अनुभव कर रहे होंगे, सो मनोज जी थोड़ा सा ठहरिए और इन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में देख रही हूँ एक बहुत ही डेस्टिन्ड अपॉर्चुनिटी आपके करीब आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स साथ में हमें कहता है कि लोगों की सहायता ज़रूर लीजिए, थोड़ा अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाइएगा, बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग अस कि जितना आपकी मदद लोगों के थ्रू होगी उतना शायद अकेले नहीं हो पाएगी। सो हो सकता है कि कुछ ऐसी डिवाइन टाइमिंग पे कोई ऐसी मदद, कोई ऐसा संयोग हो जाए कि आपको अपनी डेस्टिनी, आपकी डिज़ायर जॉब की तरफ वो चीज़ें लेकर जाए। मैं डेफिनेटली देख रही हूँ इस समय चेंज के साथ जाइए, क्योंकि जो आपने मांगा है वही आपके पास आ रहा है। जी, रोहित का ये सवाल है, इनका जन्म है 27 जून 2002 का, जानना चाहते हैं कि करियर कैसा रहेगा, आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी इनको। रोहित जी, आपका सवाल अपने करियर और फ्यूचर से रिलेटेड है, सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। नाइन ऑफ सोर्ड्स में देख रही हूँ रोहित जी आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं जो सत्य है नहीं। सो ये वो एनर्जी है जहाँ पर हम मेंटली बहुत ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें सोच रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, शांत नहीं हो पा रहे हैं। सो रोहित जी, मैं देख रही हूँ कि वो डिसीजन आप ज़रूर बना पाएंगे, जिस डिसीजन का आपको इंतज़ार है वो क्लैरिटी आपके जीवन में ज़रूर आएगी, लेकिन सबसे पहले आपको मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ कि अपनी चिंता को, अपने वरीज को, अपने टेंशन को थोड़ा साइड में रखिए इस इशू के अराउंड। और मैं देख रही हूँ कि जब आप एक क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी वो अपॉर्चुनिटी आएगी, और मुझे लगता है आप एक डिसीजन के काफ़ी करीब हैं, तो आप वो डिसीजन बना पाएंगे जो आपके लिए है, ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग से हट जाएगा। जी, तो इनकी समस्या का समाधान आपने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, मनु जी की ये मेल है हमारे पास, 28 अगस्त 2000 का इनका जन्म है, जानना चाहती है कि इनकी जॉब कब तक लगेगी। ये इत्तेफाक की बात है कि मुझे लगता है कि सारे युवा इस समय हमसे जुड़ते जा रहे हैं और उनके सवाल हमारे पास आ रहे हैं। ओके, सो आपका सवाल अपनी जॉब से जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए आ रहा है, बहुत खूबसूरत। बहुत आपने वेट किया है, पेशेंटली वेट किया है, धैर्य रखा है, और इस स्थिति में भी आपको मैसेज दिया जा रहा है थोड़ा सा और धैर्य आपको रखना है। आपको लग सकता है जैसे मेरी कोई परीक्षा हो रही है, मुझे क्यों वो आउटकम नहीं मिल रहा है, आपके भीतर बहुत सवाल होंगे। बट यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं थोड़ा इस समय अपने आप के साथ जुड़िए, थोड़ा स्ट्रेंथ रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ में एक नए उत्साह के साथ आपकी नई शुरुआत होगी अपने करियर में, और इसके लिए आप भीतर से ये बात जानते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि हमें इंट्यूटिवली काफ़ी चीज़ें पता हैं, तो जो आपके मन में आपको जवाब मिल रहे हैं अपने से, उन पर भरोसा रखें, उन पर ट्रस्ट करें और अपने पैशन को फॉलो करें, क्योंकि आपका करियर वही होगा जहां पर आपकी पैशन, आपकी एनर्जी आपको ले जाएगी। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें कहता है कि अपने स्ट्रेंथ, अपने पैशन और स्पॉन्टेनियसली डिसीजन बनाने का आपको मैसेज दिया जा रहा है। जी, तो इनका मार्गदर्शन आपने कर दिया है। जागृति का सवाल हमारे पास आ चुका है, 6 जनवरी 2003 का इनका जन्म है, जानना चाहती हैं कि शादी की बात इनकी होती है लेकिन बात पूरी तरह बन नहीं पाती और जो बात चल रही होती है वो टूट जाती है, कब तक इनकी शादी हो पाएगी। ओके जागृति जी, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। मून, वैसे जागृति जी जैसे ये सवाल आया वैसे मैं आपको कहने वाली थी कि आप अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान रखिए, और वैसे ही हमारे पास यहाँ पर मून कार्ड आया है। ये बात करता है कि कहीं ना कहीं आपने कॉन्फिडेंस खो दिया है, जैसे अंधकार होता है उसी प्रकार आपके जीवन में इस एरिया के अराउंड अंधकार है, आप ढूंढ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये फेस थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पर मुझे लग रहा है। 1 मंथ फ्रॉम नाउ, जैसे हम एक लूनार साइकिल, एक मून साइकिल कंप्लीट करते हैं, मुझे लगता है 1 मंथ फ्रॉम नाउ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आएगा शादी को लेकर। और देखिए लवर्स कार्ड हमारे पास आ रहा है, तो ये एक फेज़ है, आपकी शादी डेफिनेटली होगी जिस पर्सन के साथ आप चाहते हैं उस पर्सन के साथ होगी, लेकिन एज अ रेमेडी मैं आपको कहूँगी कि अपने आप को डिज़ायरेबल समझे, वैल्यूबल समझे, और इतना ज़्यादा अपने इमोशंस में मत खोइए, क्योंकि मून कार्ड भ्रम का कार्ड होता है और भ्रम में हम जितना उलझे हम उतना और भ्रमित होते जाते हैं। सो अपने भ्रमों को दूर रखिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए, और लवर्स देखिए आपके लिए बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। आपने शादी की बात की, लव की बात की, और हमारे पास लवर्स का ही कार्ड है, तो ये बात करता है बहुत पॉजिटिवली आपके जीवन में आपकी शादी होगी। ये समय थोड़ा सा आपके लिए ऐसा है, इसमें धैर्य रखें और आउटकम बहुत पॉजिटिव है।
तो यहाँ पर आपको शुभ सूचना मिल गई है जागृति जी, और आप सभी दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि जीवन में थोड़ी सी मुश्किल की घड़ी आती है तो आप निराश ना हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला आना बिल्कुल तय होता है। कहते हैं कि रात जितनी अंधेरी होती है आने वाला सुबह का समय उतना करीब आ जाता है। तो इसलिए परेशानियाँ हैं तो घबराइए मत, उसका सॉल्यूशन ज़रूर है, समाधान ज़रूर है, और टैरो कार्ड के माध्यम से उसी सॉल्यूशन तक, उसी समाधान तक हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। ममता जी उस काम में आपका साथ दे रही है। तो यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। ममता जी, अगर हम बात करें टैरो कार्ड्स के बारे में तो कितने समय तक का प्रेडिक्शन मिलता है, क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष होता है उसमें जो कुंडली होती है उसमें लोग आने वाले बहुत समय तक का हिसाब किताब जान लेते हैं कि सालों तक उसमें डिटेल्स होते हैं, क्या टैरो भी इस तरह से मददगार हो सकते हैं? जी, सो जैसे मैंने आपको बताया था, टैरो एनर्जी के ऊपर निर्भर करता है। टैरो में प्रेडिक्शन के दो तरीके होते हैं, जैसे दो डिविजन्स हैं। अगर हमारे टैरो में मेजर आर्काना का कार्ड आता है, जो 22 कार्ड्स होते हैं 78 में से, अगर वो मेजर आर्काना का कार्ड है तो ये बात करता है एक मेजर इवेंट आपके जीवन में, जैसे शादी या कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कोई बहुत बड़ा चेंज आपने बना लिया, एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गए, तो ये कुछ सालों को डिपिक्ट करता है जब भी मेजर आर्काना कार्ड आता है, मंथ्स टू ईयर्स। और जो माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं वो डेज टू वीक्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो इसमें हम एनर्जी जैसे बदलती हैं वैसे हमारी जो आउटकम है वो बदल सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो टैरो को आपको कहना है कि ये लॉन्ग टर्म आपके जीवन में रहेगी, तो टैरो जो है वो कार्ड आपको दे देगा मेजर आर्काना के रूप में, कि जिससे आप अपने क्लाइंट को या सामने वाले व्यक्ति को बता पाए कि ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है जो आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जी, यानी टैरो कार्ड्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, और प्रेडिक्शन कैसा होना चाहिए, आने वाला समय कैसा रहेगा, डे टू डे प्रेडिक्शन कैसा रहेगा, ये सभी कुछ हमें टैरो कार्ड्स बताते हैं। अब बात कर लेते हैं ममता जी, जैसे कि आपने जिक्र किया था क्रिस्टल का, तो क्रिस्टल किस हालात में आप लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं, कब इसकी ज़रूरत होती है, या कोई भी व्यक्ति क्रिस्टल धारण कर सकता है, या क्रिस्टल की बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं जिसको लोग अपने घर में रखते हैं? जी, सो क्रिस्टल की एक बहुत खूबसूरत बात है कि क्रिस्टल हमारे प्रकृति से आए हैं, मदर अर्थ से आए हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स अर्थ में रूटेड, अर्थ का विजडम जिन क्रिस्टल्स में छुपा है, जिन क्रिस्टल्स में हीलिंग पावर छुपी है, वो क्रिस्टल्स हमारी मदर अर्थ से आए हुए हैं। सो क्रिस्टल्स हर किसी को पहनना चाहिए। इसमें एज अ रेमेडी भी मैं काफ़ी लोगों को क्रिस्टल सजेस्ट करती हूँ, बट डेली में भी आप अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हील करते हैं, क्योंकि जिन तत्वों से क्रिस्टल्स में ऊर्जा होती है उसी से हमारा शरीर बना हुआ है। सो क्रिस्टल्स बहुत पावरफुल टूल्स है। अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स आते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, लव रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, और क्रिस्टल्स का विज्ञान बहुत गहरा है। सो उस हिसाब से मैं लोगों को क्रिस्टल सजेस्ट करती हूँ जिनकी वो प्रॉब्लम होगी, और जो टैरो भी हमें बता देता है कि कौन सा क्रिस्टल सही रहेगा। जी, आमतौर पर मान लीजिए कि जो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी कि अगर आर्थिक समस्या है तो कौन सा क्रिस्टल धारण कर लें, या फिर रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं तो कौन सा क्रिस्टल धारण कर लिया जाए? यस, सो क्रिस्टल्स यूनिवर्सल हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे जेमस्टोन्स को उसी राशि के अनुसार पहना जाता है, क्रिस्टल्स का ऐसा कोई रूल नहीं है। सो अगर आप अपने जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आपके बंद दरवाजे खुल जाए अबंडेंस के, ऐश्वर्य के, तो आप पाइराइट क्रिस्टल ज़रूर उपयोग करिए। आप अपने डेस्क पर भी एक क्लस्टर फॉर्म में पाइराइट क्रिस्टल आता है वो पहन सकते हैं, पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं, या क्रिस्टल फॉर्म में आप उसके साथ मेडिटेट भी कर सकते हैं। सो पाइराइट एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल होता है। साथ ही साथ अगर आपके रिलेशनशिप में लव वाइज आप कोई इश्यूज महसूस कर रहे हैं और आप नया पार्टनर या न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो रोज़ क्वार्ट्ज एक बहुत पावरफुल क्रिस्टल है, पिंक कलर का क्रिस्टल होता है, जो आप पहनकर लव की ऊर्जा को अपने तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको सुधारना चाहते हैं, हार्ट रिलेटेड इमोशनल पेन को हील करना चाहते हैं, तो एमेथिस्ट और कुंजाइट एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल है, जिनके कॉम्बिनेशन से कितनी भी आपकी गहरे इमोशनल ब्लॉकेजेस हो वो हम क्लियर कर सकते हैं, और ओवरऑल जो हीलिंग, बैलेंस, रेजुविनेशन और प्योरिफिकेशन के लिए सेलेनाइट से बेहतर और कोई क्रिस्टल नहीं हो सकता है। इट इज़ नोन एज द मास्टर हीलर क्रिस्टल, जो अपने आप ही हील हो जाता है। तो सेलेनाइट को आप अपने पास ज़रूर रखिए, जो आपकी
चक्रास को भी बैलेंस करता है और कोई भी एरिया में जितनी भी ब्लॉकेजेस बन रही हैं उन सबको रिमूव करता है जी। तो बहुत ही गहराई से आपने यहाँ पे क्रिस्टल किस तरह से मददगार हो सकता है ये भी बता दिया है। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आपने सभी कुछ नोट डाउन कर लिया होगा जो आपको लगता है कि आपके लिए मददगार हो सकता है। आपको सब कुछ जानकारी यहाँ पर कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे कहना चाहूँगी ममता जी कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।